हेलो दोस्तों, मैं हूं तुहीन और आप देख रहे हैं हाईटेक ब्रो। आज मैं इस वीडियो में आप सबको दिखाने वाला हूं बेस्ट स्मार्टफोन 16 से 25 हज़ार के अंदर। अगर आप नया फोन लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं आपके बजट के अंदर कौन सा फोन आपके लिए सबसे अच्छा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें। अगर आप पेटीएम कैश जीतना चाहते हैं, ऊपर आई बटन में पेटीएम कैश गिव अवे का वीडियो का लिंक है, उसको जरूर देखिए। अगर आप लकी हुए तो आप भी जीत सकते हैं पेटीएम कैश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले हमारे लिस्ट में है 16 हज़ार के अंदर रियलमी XT। इसमें आपको मिल जाता है 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर, 4 GB का रैम, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज, क्वाड कैमरा सेटअप, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4000 mAh बैटरी, USB टाइप सी, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। 16 हज़ार के अंदर रियलमी XT सबसे अच्छा फोन है। 17 हज़ार के अंदर आप ले सकते हैं वीवो Z1X। इसमें आपको मिल जाता है 6.3 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर, 6 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें से 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4500 mAh बैटरी, USB टाइप सी, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। 17 हज़ार के अंदर वीवो Z1X एक काफी अच्छा ऑप्शन है। 18 हज़ार के अंदर आप ले सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A50। इसमें आपको मिल जाता है 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, एक्सिनोस 9610 प्रोसेसर, 4 GB का रैम, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज, ट्रिपल कैमरा सेटअप भी है इसमें, 25 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4000 mAh बैटरी, 15 वाट के फास्ट बैटरी चार्जिंग के साथ, USB टाइप सी, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर आप सैमसंग का मोबाइल लेना चाहते हैं तो 18 हज़ार के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A50 काफी अच्छा फोन है। 19 हज़ार के अंदर आप ले सकते हैं पोको F1। 6.1 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर, 8 GB का रैम, 256 GB का इंटरनल स्टोरेज, डुअल कैमरा सेटअप, 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4000 mAh बैटरी, क्विक बैटरी चार्जिंग 3.0 के साथ, USB टाइप सी, फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर आपको गेम्स खेलना पसंद है तो आपको जरूर लेना चाहिए पोको F1। गेम खेलने के लिए ये सबसे अच्छा फोन है 19 हज़ार के अंदर। 20 हज़ार के अंदर आप ले सकते हैं Redmi K20। इसमें आपको मिलता है 6.3 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर, 6 GB का रैम, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज, ट्रिपल कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा, 4000 mAh बैटरी, 18 वाट के फास्ट बैटरी चार्जिंग के साथ, USB टाइप सी, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर आपका बजट 20 हज़ार है तो Redmi K20 आपके लिए सबसे अच्छा फोन है। 21 हज़ार के अंदर आपको लेना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी A50s। इसमें आपको मिलता है 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, Exynos 9611 का प्रोसेसर, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, ट्रिपल कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4000 mAh का बैटरी, 15 वाट के फास्ट बैटरी चार्जिंग के साथ, USB टाइप सी, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। 21 हज़ार के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A50s एक काफी अच्छा फोन है। 22 हज़ार के अंदर ले सकते हैं वीवो V15 प्रो। इसमें आपको मिलता है 6.3 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर, 6 GB का रैम, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज, ट्रिपल कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 3700 mAh का बैटरी, 18 वाट के फास्ट बैटरी चार्जिंग के साथ, माइक्रो USB 2.0, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर आपको सेल्फी लेना अच्छा लगता है और आप पॉपअप कैमरा वाला मोबाइल लेना चाहते हैं तो वीवो V15 प्रो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। 23 हज़ार के अंदर आप ले सकते हैं Redmi K20
128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला। रेडमी K20 काफी अच्छा फोन है, इसलिए मैंने 20,000 और 23,000 में इस फोन को रखा है। अगर आपको 23,000 के अंदर सबसे अच्छा फोन लेना है तो आप रेडमी K20 जरूर ले सकते हैं। 24,000 के अंदर आप ले सकते हैं Honor View 20। इसमें आपको मिलता है 6.4 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, किरिन 980 प्रोसेसर, 6 GB का रैम, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज, डुअल कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, उसके साथ टोफ 3D कैमरा और 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4000 mAh का बैटरी, 18 वाट फास्ट बैटरी चार्जिंग के साथ, USB टाइप सी, फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर आपको अच्छा डिजाइन वाला फोन लेना है और जिसका कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छा है तो आप Honor View 20 खरीद सकते हैं। सबसे आखिर में 25,000 के अंदर आप ले सकते हैं Honor 20। इसमें आपको मिल जाता है 6.2 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, किरिन 980 प्रोसेसर, 6 GB का रैम, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज, क्वाड कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 3750 mAh का बैटरी, 22 वाट के फास्ट बैटरी चार्जिंग के साथ, USB टाइप सी, फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर आपको ऐसा मोबाइल लेना है जो लंबा बैटरी लाइफ देता है और जिसका फोटो क्वालिटी काफी अच्छा है तो 25,000 के अंदर आप ले सकते हैं Honor 20। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऊपर आई बटन में पेटीएम कैश गिवअवे का वीडियो का लिंक है उसको जरूर देखिए। अगर आप लकी हुए तो आप भी जी सकते हैं पेटीएम कैश। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप सबसे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।